इस्लाम के किसी मामले में कुरान और हदीस की रोशनी में जो हुक्म जारी किया जाए वो फतवा होता है, लेकिन कई बार इसे लेकर विवाद भी हो जाता है। तो आज हम आपको दारुल उलूम के उन 10 फतवे के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके चलते कई बार विवाद हुआ है। नंबर 1, देवबंद ने ट्रिपल तलाक और हलाला निकाह पर भी फतवा जारी किया था। इस फतवे में कहा गया था कि अरेंज हलाला इस्लामिक नहीं है और ऐसा करने वाले को शर्मिंदा होना चाहिए। नंबर 2, जुलाई में जारी एक फतवे में दारुल उलूम ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को किसी अनजान आदमी से मेहंदी लगवाना गैर इस्लामिक होता है। नंबर 3, इस फतवे में कहा गया था कि मुस्लिमों को CCTV लगवाने से बचना चाहिए। इसका कारण ये बताया गया था कि CCTV में तस्वीरें कैद होती हैं और इस्लाम में बिना जरूरत तस्वीरें खींचना और खिंचवाना दोनों ही सख्त मना होते हैं। नंबर 4, जून महीने में दारुल उलूम ने ईद से पहले फतवा जारी कर शिया मुस्लिमों को शादी की दावत में जाने को नजायज बताया था। नंबर 5, फरवरी महीने में एक फतवे में कहा गया था कि जीवन बीमा कराना नाजायज है। फतवे में इंसान और संपत्ति दोनों के ही बीमा करवाने से परहेज करने को कहा गया था। नंबर 6, मुस्लिम महिलाओं को बाजारों में जाकर या कहीं भी दूसरे मर्दों के हाथों से चूड़ियां पहनने पर भी रोक लगा दी थी। इस फतवे में कहा गया था कि मुस्लिम महिला को हर उस मर्द से पर्दा करना होता है जिससे उसका खून का रिश्ता ना हो। नंबर 7, दारुल उलूम ने अक्टूबर में फतवा जारी किया था कि महिलाओं की फोटो सोशल मीडिया पर डालना गैर इस्लामिक है। नंबर 8, इस फतवे में कहा गया था कि औरत जब भी घर से बाहर निकले तो उसे ढीले लिबास पहनने चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे घूरता है। नंबर 9, इस फतवे में कहा गया था कि कुरान की आयत की रिंगटोन हराम और गैर इस्लामिक है, फिर चाहे वो किसी भारतीय के लिए हो या दुनिया के किसी भी हिस्से के मुस्लिम के लिए। उनका मानना था कि फोन उठाने या करने वाला उस वक्त टॉयलेट में हो सकता है और ऐसे वक्त में अजान का रिंगटोन या कॉलर टोन सुनना गैर इस्लामिक होता है। और नंबर 10, इस फतवे में औरतों के लिए मर्दों का फुटबॉल मैच देखना हराम बताया गया था। उनका कहना था कि फुटबॉल शॉर्ट निकर पहनकर खेला जाता है और ऐसे में महिलाओं की नज़र खिलाड़ियों के घुटनों पर जाती है जिसे देखना गुनाह होता है। तो ये थे दारुल उलूम के 10 फतवे। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस UP को भी सब्सक्राइब कीजिए।